SC ST एक्ट के तहत भारत बंद को लेकर किए जा रहे बाजार बंद के दौरान सवाई माधोपुर जिले के उपखंड गंगापुर सिटी में पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। पथराव के दौरान पुलिस ने भी लाठियां भांजी। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी अपनी गाड़ी, चप्पल, जूते वहीं छोड़ नंगे पांव भागे। इस दौरान कुछ लोगों को पुलिस में हिरासत में लेने की भी सूचनाएं मिली। रविवार को व्यापारियों ने बंद का विरोध किया था। आज बंद कराने के दौरान भीम सेना ने कई जगहों पर दुकानदारों से मारपीट कर दी। उसके बाद आक्रोशित व्यापारी भी लामबंद हो गए और लाठी लेकर प्रदर्शनकारियों के सामने आ गए और आपस में जमकर गाली गलौज करते हुए गंगापुर सिटी के कोतवाली थाना के पास नेहरू पार्क के कोने पर व्यापारी एवं प्रदर्शनकारी आमने सामने हुए तो पुलिस ने मामला शांत कराना चाहा, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी लाठियां भांजना शुरू कर दी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद बाजार में भगदड़ मच गई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी अपनी चप्पल, जूते वहीं छोड़ नंगे पांव भाग छूटे। इस मौके पर यह भी सूचना मिली कि वसुंधरा कॉलोनी के पास सड़कों पर कई जगह दुकानों के सामने रखे फर्नीचर एवं अन्य सामानों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की तो वो उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस पर फिर से पथराव कर दिए। भीड़ को काबू करने एवं तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है और हालात तनावपूर्ण होने की संभावना जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक एक RAC का जवान और एक पुलिस जवान झड़प में घायल हुए हैं, वहीं दो दुकानदारों को भी चोटें आई है। डिप्टी SP नरेंद्र शर्मा एवं SDM BL जाट अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। अब तक कुल 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। मामले की नजाकत को देखते हुए दर्जन भर से अधिक लोगों के घायल होने की भी संभावना बताई जा रही है। साथ ही झड़प में छिटपुट कई लोगों के चोट आने की भी आशंका बनी हुई है। वहीं मामले की नजाकत को देखते हुए जिला कलेक्टर KC वर्मा और SP मामन सिंह भी सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से मौके के लिए रवाना हो चुके हैं।